देखिए, जब मैं गया मैक्सिमम लड़के हमारे जो फौज में थे वो ऑफिसर्स के बेटे थे। अब ऑफिसर्स ने अपने बेटे भेजने बंद कर दिए, बिकॉज़ देयर मच मोर लुक्रेटिव जॉब्स आउटसाइड, दिस लाइफ इज वेरी टफ। मैं देख रहा हूँ कि ऑफिसरों के बेटे जा नहीं रहे, जेसीओज और जवान के बेटे आ रहे। भारत चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस को फील्ड कर सकता। और याद रहे कि हमारी प्रथा रही है लार्ज आर्म फोर्सेस आ सकता है, और इस देश में हथियार उठाने वाले बहुत हैं, और वो खेती बाड़ी में काम करते हैं, और जब खेत कट जाते हैं तो वो खाली होते हैं। अगर मैंने उनको नहीं अब्सॉर्ब किया तो उनको मेरे दुश्मन ले जाएंगे, मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सॉल्यूशन, सक आउट द मिलिट्री मैन पावर इज माय पैशन। तो टॉकिंग ऑफ द कल्चरल चेंज इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, देखिए जब मैं गया मैक्सिमम लड़के हमारे जो फौज में थे वो ऑफिसर्स के बेटे थे। अब ऑफिसर्स ने अपने बेटे भेजने बंद कर दिए, बिकॉज देयर मच मोर लुक्रेटिव जॉब्स आउटसाइड, दिस लाइफ इज वेरी टफ। मैं देख रहा हूँ कि ऑफिसरों के बेटे जा नहीं रहे, जेसीओज और जवान्स के बेटे आ रहे हैं, और सोशल स्टेटा वाइज इट इज फ्रॉम यू नो फार व्हाट शैल आई से लेस एम्पावर्ड पीपल, बट दे आर मेकिंग इट टू द आर्म फोर्सेज। सो देर इज अ कल्चरल चेंज दैट आई डू सी, बट मे बी इट्स फॉर द बेटर, बिकॉज दे आर टफर एंड दे आर मोर नेशनलिस्टिक एंड दे आर मोर कीन टू प्रूव देमसेल्व, सो इट कट्स बोथ साइड्स। That is one change that I saw, and the other is technologically we have come a far. हमारे देश में एक तबका है जो हमेशा फौज में मैन पावर काटो, यूजलेस फ्लैब है, भत खा रहे हैं, थूक लगा रहे हैं सरकार को, यू नो इस टाइप का उनका एटीट्यूड है टूवर्ड्स मैन पावर। दैट वॉज नॉट माओज एटीट्यूड टूवर्ड्स मैन पावर। ही फेल्ट मैन पावर वॉज अ great resource. China then had the biggest population in the world today. Correct. Today we have that distinction. 1.4 billion Indians and a youthful population. 50% Bharatiya 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं। जी। It is the youngest population in the world. China's population is aging, Europe's population is aging, Russia's population, Japan's population is aging, and aging has started even in the American population. अगर आज भारत चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस को फील्ड कर सकता। और याद रहे कि हमारी प्रथा रही है लार्ज आर्म फोर्सेस। मौर्य शासन काल में 690,000 की भारतीय सेना थी उस मौर्य शासन काल में, जिसने भारत का एकीकरण किया, मेड इंडिया इंटू अ यूनिफाइड पोलिटिकल एंटिटी। मुगल अकबर के समय में 2.5 मिलियन 25 लाख की मुगल सेना थी। उसका फलसफा बड़ा सिंपल था अकबर का, भाई जो मेरे खिलाफ हथियार उठा सकता है, और इस देश में हथियार उठाने वाले बहुत हैं, और वो खेती बाड़ी में काम करते हैं, और जब खेत कट जाते हैं तो वो खाली होते हैं। अगर मैंने उनको नहीं अब्सॉर्ब किया तो उनको मेरे दुश्मन ले जाएंगे, मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सॉल्यूशन, सक आउट द मिलिट्री मैन पावर, अपनी फौज में डाल। तो मुगल, द वर्ड मुगल इज अ बाय वर्ड फॉर ग्रैंड, ह्यूज, बिग स्केल। तो द मुगल आर्मी वॉज 2.5 मिलियन मैन, 25 लाख की फौज थी, आज की फौज 13 लाख, और 13 लाख से घटा के 12 लाख कर दी गई। ठीक है साहब, आज चीन का रक्षा बजट 290 अरब डॉलर है, आपका है 74 अरब डॉलर। आप कह रहे हैं कि साहब फौज घटाओ, एक तबका जैसे मैंने बताया कि घटाओ साहब, घटाओ, कट करो। ये बीमारी नई नहीं है। कारगिल युद्ध के पहले मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था, जहां डायरेक्टली मैं स्ट्रेटजी और मैन पावर के साथ डील कर रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और आप जानते हैं भारत की इकॉनमी तकरीबन तबाह हो चुकी थी 1990 में। नरसिम्हा राव जी ने इसको रिवाइव किया था, इसको लिबरलाइज किया था, हमारी इकॉनमी को, पब्लिक सेक्टर को घटा के प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसीज लाए थे वो। तो उन्होंने सीधा जनरल मलिक साहब, जो वेद मलिक जो हमारे चीफ थे, उनको बोला साहब अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए, आप फौज चला रहे जो है वही है, जब पैसा आएगा हम आपको देंगे। तो नेचुरली मलिक साहब घबरा गए, क्योंकि तब कोई 20-30 साल पुराना सोवियत इक्विपमेंट चला जा रहा था, वही T-55 टैंक, T-54 टैंक,
MiG-21 जो अभी तक चल रहे हैं बाई द वे, सो वो नेचुरली वरिड थे, वो चाहते थे कि किसी तरह मेरे को मतलब मॉडर्नाइजेशन हो भारत की फौज की। तो फिर सोल्यूशन क्या सोची गई, लोगों ने दिमाग लड़ाया क्या करें साहब, तो उन्होंने बोला साहब ऐसा है रेवेन्यू बजट कट करो और कैपिटल बजट बढ़ाओ। ओके, यानी रेवेन्यू बजट जाता है पे पेंशन वगैरह के ऊपर, बोले इसको कट करो, मैन पावर कट करो, ये फालतू है, और इससे जो पैसा बचेगा हम उससे मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो मैन पावर काटने की साहब एक वो होड़ लग गई, जिसको भी VSM चाहिए था बोले साहब मैंने ये यूनिट काटने का प्रपोजल बनाया, वो बनाया बनाया, मतलब ये था। मैं आया था, मैं कारगिल से सीधा वहाँ, मैं ये जो फर्स्ट मेरा, मैं कारगिल में 1991 में था जब पहली बड़ी इंट्रूजन और लड़ाई हुई थी 87 में, वहाँ बड़ा धमाका हुआ था काक्सर की इलाके के अंदर, बड़ा खतरनाक इलाका। एक जवान को, लाश को या घायल को अपने पोस्टों से 14-15 हज़ार फुट के नीचे लाने में, जहाँ तक हेलीकॉप्टर आता है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लगते थे। एक जवान को लाने के लिए एक स्ट्रेचर को 6 बंदे उठाते हैं जी। वो पूरा रास्ता आप 12 घंटे नहीं उठा सकते, रिले देनी होती है। तो 3 रिले देते थे 6-6 आदमी की, एक आदमी को नीचे लाने, यानी एक आदमी को नीचे लाने के लिए लाश या जिंदा 18 आदमी की जरूरत थी पहाड़ों में। ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी कर दूंगा, मुझे वो ड्रोन दिखाओ जो कि एक घायल को उठा के नीचे लाएगा, नॉट पॉसिबल, बकवास है वहां पर, जितनी हवा चलती है वहां की तो आपका ड्रोन तो जाके क्रैश करेगा कहां पे। तो नहीं साहब, काट दो काट दो काट दो। तो मैं बड़ा घबराया, तो मैंने तो लिख लिख के दिया साहब मत करो मत करो, हाथ पैर जोड़ने लगा मैं तकरीबन। मेरे को लोगों ने कहा तेरी नौकरी गई, तू पागल है। तो फॉर्चुनेटली फॉर मी कारगिल का युद्ध शुरू हुआ, तब तक जोश में आके आदेश दे दिए थे कि पायनियर कंपनी डिसबैंड, म्यूल्स GS जनरल सर्विस, म्यूल आर्टिलरी डिसबैंड। ओके, और वो डिसबैंडमेंट शुरू हो गई कि नफरी कम करो नफरी कम करो नफरी कम करो, और करते युद्ध शुरू हो गया साहब। टू द क्रेडिट ऑफ जनरल मलिक, हर तीसरे दिन वो फॉरवर्ड लाइन पहुंचे होते थे जायजा लेने की ग्राउंड पे क्या हो रहा है। और जब वो वहां गए आगे कारगिल, उन्होंने देखा कतार में घायल आदमी स्ट्रेचर पे पड़े, हाय हाय पानी मर गया, डॉक्टर डॉक्टर, ये क्यों नहीं इनको इवैक्यूएट किया। बोले साहब इवैक्यूएट कौन करेगा, उसके लिए मैन पावर चाहिए। हमारी एक प्लटून में 35 आदमी होने चाहिए एज पर ऑथराइजेशन, नॉर्मली 20-25 होते हैं, 25 होते हैं वहाँ पे। अब वो 25 आदमी लड़ेंगे या 18 आदमी लेके वो, और एक घायल तो नहीं है, 4-5-6-7 घायल हैं, तो 2 कंपनी तो कहीं से आपको केवल ऊपर नीचे ले जाने में लग रही थी। पलटने जो नागालैंड मणिपुर मिजोरम वगैरह में लड़ रही थी, असम में लड़ रही थी, वो आती थी पी स्टेशन दार्जिलिंग कालिम्पोंग धर्मशाला, और महीना नहीं लगता था, उन्होंने बोला उठाओ अपना बोरी बिस्तरा और चलो कश्मीर। मतलब फील्ड पीस प्रोफाइल हमारी खत्म कर दी गई थी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, स्ट्रेन पड़ता है, जो बेस्ट ऑफ ट्रूप्स आप यहाँ लगाओ फिर निकाल के वहाँ लगाओ, फिर जब उसको रेस्ट का टाइम है अरे कोई रेस्ट का टाइम नहीं चल वहाँ लगाओ, तो एट द बेस्ट ऑफ ट्रूप्स विल स्टार्ट क्रैकिंग। रोटेशन करनी पड़ती है।